NH-19 पर गांव फुलवाड़ी के समीप एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार चार दोस्तों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका दिल्ली स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालात गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। सदर थाना पुलिस ने मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार की रात करीब 8 बजे कार दिल्ली से मथुरा की तरफ जा रही थी। कार जब NH-19 पर गांव फुलवाड़ी के समीप पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार मथुरा के गांव गोसाना निवासी 44 वर्षीय संजय, 39 वर्षीय विजय व 23 वर्षीय हैदर अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 32 वर्षीय साथी सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्घटना से गुस्साए आसपास के लोगों ने NH-19 को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और सभी मृतकों के शवों व घायल को पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत को गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली स्थित सहायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। हादसा इतना भीषण था कि मृतक व घायल सभी कार में बुरी तरह से फंस गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से सभी मृतकों व घायलों को जैसे तैसे गाड़ी से निकलवाकर पलवल के नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस का कहना है कि मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और नागरिक अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पलवल के नागरिक अस्पताल में मथुरा निवासी शिव कुमार ने बताया कि मृतक व घायल सभी आपस में दोस्त हैं, जो कि दुकानदार हैं और सभी साथ में कपड़े बेचने का काम करते हैं। सभी दिल्ली में गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए गए थे और वहां से वापस मथुरा अपने घर आ रहे थे। मृतक संजय पर एक लड़का व एक लड़की है, मृतक विजय पर एक लड़की व दो लड़के हैं और मृतक हैदर अली पर एक 3 माह का लड़का है। एक सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर में पलवल से और होटल की तरफ जो गाड़ी जा रही थी, उसमें किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो घायल थे उनको अभी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे जो 3 हैं उनको क्या नाम है मर्द घोषित कर दिया गया है। न्यू जो ट्रक जो जिसके बारे में बता रहे हैं उसकी डीटी करा दी गई है और उसके लिए 3 भेज दी गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग, कुछ पता लगा है कहाँ के हैं? अभी इस बारे में कोई पता नहीं लगा है और ये पलवल की तरफ से आ रहे थे और होटल की तरफ जा रहे थे। कुछ लोगों ने जाम भी लगाया है। हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो नज़दीक के जो गांव के जो बच्चे थे उन्होंने जाम लगाया है, उनको समझा दिया है और उन्होंने जाम खोल दिया है। फिलहाल NH-19 को यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। एक सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर में पलवल से और होटल की तरफ जो गाड़ी जा रही थी, उसमें किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो घायल थे उनको अभी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे जो 3 हैं उनको क्या नाम है मर्द घोषित कर दिया गया है। न्यू जो ट्रक जो जिसके बारे में बता रहे हैं उसकी डीटी करा दी गई है और उसके लिए 3 भेज दी गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग, कुछ पता लगा है कहाँ के हैं? अभी इस बारे में कोई पता नहीं लगा है और ये पलवल की तरफ से आ रहे थे और होटल की तरफ जा रहे थे। कुछ लोगों ने जाम भी लगाया है। हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो नज़दीक के जो गाँव के जो बच्चे थे उन्होंने जाम लगाया है, उनको समझा दिया है और उन्होंने जाम खोल दिया है। फिलहाल NH-19 को यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। पलवल जिले की तमाम छोटी और बड़ी खबरें सर्वोदय टीवी आप तक पहुंचाता रहता है। आपके पसंदीदा चैनल द्वारा दिखाई गई खबरें आपको कैसी लगती हैं? चैनल आपके क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर रहा है। आप सभी दर्शक सर्वोदय टीवी के FB पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और खबरों से संबंधित जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।